तो दोस्तों अगर आप एक पीएफ अकाउंट खोल रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जब हम कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, जब हमारी नई पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट होती है, तो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है, इनकी पुरानी कंपनी की जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है, उसका पैसा करंट में ट्रांसफ़र करने की जो रिक्वेस्ट हम सबमिट करते हैं, उसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी सरदर्द प्रोसेस रहता है। क्योंकि जब हम रिक्वेस्ट सबमिट कर देते हैं पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफ़र करने की, तो जो रिक्वेस्ट है वो कंपनी के पास जाती है, नियोक्ता के पास जाती है अप्रूवल के लिए, और वो काफ़ी जो है टाइम लगा देते हैं अप्रूव करने में। और जैसे तैसे वो जब अप्रूव कर देते हैं, उसके बाद जो है रिक्वेस्ट चली जाती है ईपीएफओ के पास, और वहाँ पर भी जो है काफ़ी दिन जो है रिक्वेस्ट हमारी पेंडिंग रहती है। बट मैं अगर आपको कहूँ कि आपको जो है इन ताम झाम से आप बच सकते हो, आपको सिंपल एक काम करना रहेगा, उसके बाद आपका जो पीएफ का जो पैसा है, पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में जो है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा, बोल सकते हैं ऑटो ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि यार काफ़ी अच्छा रहेगा ये। तो अगर आप भी कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं और आपकी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में जो है ऑटो ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो ये वीडियो पूरी देखना, पूरी जानकारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, बोल सकते हैं अच्छी जानकारी, गुड इन्फॉर्मेशन, अच्छा अपडेट, अच्छी जानकारी आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरी देखना, एक छोटा सा आपको काम करना रहता है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो अगर आपकी जो पुरानी कंपनी की जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसका पैसा करंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे तो आपका पीएफ का पैसा फंस जाएगा। तो ज़रूर ट्रांसफ़र कर लीजिए। आप जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। अगर आपको खुद से आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी है तो ये वाली वीडियो देखने लेना, इसमें मैंने कंप्लीट जानकारी दी है कैसे आप खुद से पुराने पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये तो हो गया खुद का प्रोसेस। अब आप चाहते हो कि ऑटो ट्रांसफ़र हो जाए, मेरे को कुछ भी ना करना पड़े, रिक्वेस्ट सबमिट ना करनी पड़े, तो इसको लिए आपको क्या करना है? जब आप नई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो उस समय आपका जो नियोक्ता रहता है, जो आपका एम्प्लॉयर जो रहता है, वो आपसे फॉर्म नंबर जो है 11 आपसे फिल करवाता है, और उसमें आपको आपकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी रहती है, पुरानी कंपनी का नाम मेंशन करना रहता है, उसकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसकी डिटेल मेंशन करनी रहती है, और यूएन नंबर तो आपका एक ही रहता है। तो आपको जो है अपनी पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है, पुरानी जो कंपनी रहती है, उसकी आपको कंप्लीट डिटेल आपको जो है फॉर्म नंबर जो 11 देगा आपको नियोक्ता, आपको जब नई कंपनी ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको फिल कर देनी है। उसके बाद जब आपकी कंपनी जो है ईपीएफओ के उस फील्ड ऑफिस में आपका फॉर्म जमा कराएगी जहां पर वो कंपनी रजिस्टर्ड है, उसके बाद ऑटो पीएफ ट्रांसफ़र की जो रिक्वेस्ट है वो इनिशिएट हो जाएगी, रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी, और आपके पास जो मैसेज आ जाएगा किस तरह से, चलिए मैं दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह से मैसेज आ जाएगा कि ऑटो क्लेम टू ट्रांसफ़र यूअर ईपीएफ एक्लिमेशंस फ्रॉम आपकी कंपनी रहेगी, पुरानी कंपनी का नाम रहेगा यहाँ पर, टू यहाँ पर करंट कंपनी का नाम रहेगा, हैज़ बीन कंसीडर्ड अगेंस्ट यूएन, आपका 12 डिजिट का जो यूएन नंबर रहता है वो यहाँ पर मेंशन रहेगा, यू मे चूज टू स्टॉप द क्लेम विद इन 10 डेज ऑफ डेट ऑफ लिंकिंग, आप इस ये जो ऑटो क्लेम की जो रिक्वेस्ट सबमिट हुई है इसको आप स्टॉप भी कर सकते हो, 10 दिन का टाइम आपको मिलता है बाई लॉगिन ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल, उस पर लॉगिन करके, अदरवाइज आपका जो एम्प्लॉयर है, आपकी जो कंपनी है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर ईपीएफ ऑफिस में बात भी कर सकते हो अगर आपको स्टॉप करना है तो। तो इस तरह से आप जो है ऑटो आपका पीएफ का पैसा, पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा सिंपल, जब आप नई कंपनी ज्वाइन करें तो उनको बोल भी देना, उनको बता भी देना कि मेरी जो है पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसका पैसा करंट में ट्रांसफ़र करना है। काफ़ी सारे जो पीएफ अकाउंट होल्डर रहते हैं जब वो नई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो नियोक्ता को बताते नहीं है, उनको जो नई कंपनी का जो एम्प्लॉयर रहता है उसको बताते नहीं है कि मेरी और भी पीएफ मेंबर आईडी है, पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफ़र करना है, तो इसी वजह से उनका पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र ऑटो नहीं हो पाता। तो आप जब भी कोई नई कंपनी ज्वाइन करें तो नियोक्ता को, जो कंपनी का जो एम्प्लॉई आपसे फॉर्म भरवा रहा है, आपकी ऑन बोर्डिंग करवा रहा है, उसको बोल देना कि मेरी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफ़र करना है, तो वो आपको बता देंगे कि आपकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसकी डिटेल और कंपनी का नाम इस कॉलम में मेंशन कर दो, उसके बाद आपकी ऑटो जो है रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो जाएगी और फिर आपका जो है पीएफ का पैसा ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाएगा पुरानी पीएफ मेंबर आईडी से करंट में, आपको रिक्वेस्ट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट यहाँ पर भी ईपीएफओ ने कुछ कंडीशन रखी है, कंडीशन ये रखी है कि आपका जो यूएन नंबर है
वो एक्टिव होना चाहिए और उसके साथ आपका आधार कार्ड जो नंबर है वो लिंक होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, और आपकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उसमें डेट ऑफ एग्जिट और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है मेंशन होनी चाहिए, तभी आपकी जो है ऑटो क्लेम की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली जो है हो जाएगी और आपका पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जब आपको कुछ इस तरह से मैसेज आ जाए उसके बाद अगर आप देखना चाहते हो तो ईपीएफओ का जो यूएन मेंबर का पोर्टल है इसको लॉगिन कीजिए। सिंपल लॉगिन करेंगे उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे और यहाँ पर ट्रे क्लेम स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन सबसे नीचे की तरफ आएंगे ऑटो का, तो यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट दिख जाएगा ऑटो क्लेम का, ऑटो ट्रांसफर का, और यहाँ पर स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप स्टॉप भी कर सकते हो। और जैसे स्टॉप पर आप क्लिक करेंगे तो आपको रीजन पूछेगा कि भाई क्यों आप जो है स्टॉप करना चाहते हो, तो रीजन देके आप जो स्टॉप भी कर सकते हो, बाकी स्टॉप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर स्टॉप कर दोगे फिर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा तामझाम करना पड़ेगा, बट एक जानकारी देनी थी आपको बताना था तो आप स्टॉप भी कर सकते हो, बाकी आपको 10 दिन का टाइम मिलता है और जो मैसेज आता है इसमें लिखा भी रहता है, तो सिंपल आपको यही करना है। अगर आप खुद से जो है पीएफ ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट सबमिट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि ऑटो जो है पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाए, तो आपको सिंपल फॉर्म नंबर जब 11 आपसे भरवाएगा आपका नियोक्ता आपकी जो कंपनी है उसी टाइम आपको पुरानी पीएफ मेंबर आईडी की जो है डिटेल कंप्लीट और कंपनी का नाम आपको दे देना है, उसके बाद आपका जो ऑटो ट्रांसफर हो जाएगा और फिर आपकी जो टेंशन खत्म भी हो जाएगी और आपका जो है समय भी बचेगा। तो इस तरह से ईपीएफओ ने ये फैसिलिटी दे रखी है, काफ़ी सारे जो पीएफ अकाउंट होल्डर हैं उनको पता नहीं रहता, तो अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं जब नई कंपनी ज्वाइन करें और नियोक्ता आपसे जब फॉर्म भरवाए पीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जब भरवाएं तो उसको बोल देना कि मेरी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करना है, उसको जब बताओगे तो वो आपको बता देगा, गाइड कर देगा कि यहाँ पर पुरानी पीएफ मेंबर आईडी मेंशन कीजिए और यहाँ पर आपकी कंपनी पुरानी जो कंपनी है उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो जाएगी और उसके बाद सीधा ईपीएफओ के पास जाएगी, जो भी प्रोसेस रहेगा आपको कुछ नहीं करना, आपका काम हो जाएगा। तो बस ये एक जानकारी आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के साथ शेयर करनी थी, काफ़ी सारे पीएफ अकाउंट होल्डर्स को फायदा होगा, इस वीडियो को शेयर भी कर देना हो सके तो, और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।